कल हमारा मुख्यमंत्री जी ने हमको आदेश दिया था, सुबह जो हमारा मिनिस्टर्स सब कमेटी, तेलंगाना मिनिस्टर्स सब कमेटी है, वो सब कमेटी बैठ के क्या करना, कैसा करना, लोगों को कैसा भरोसा देना, उसके बारे में हम सुबह से लेके अभी तक जो चर्चा किया है। सीएम साहब ने 100 करोड़ रुपए हमको टेम्पररी बेसिस रिलीज करने के लिए जो एक्सेप्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए भी आदेश दिया है। यहाँ पे अभी तक तेलंगाना राज्य के अंदर एक आदमी की भी अभी तक इफेक्ट नहीं हुआ, जो बाहर से आए हुए है, जो बाहर से दुबई से आए हुए एक यूथ को जो इफेक्ट हुआ था, अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ। सेकंड थिंग, इससे जो कांटेक्ट था, जो बस में कांटेक्ट था, जो हॉस्पिटल में कांटेक्ट था, जो फैमिली मेंबर्स है, वो 88 पीपल को आइडेंटिफाई किया है। आउट ऑफ 88, 45 लोगों को हम हॉस्पिटल में रख के अभी हम टेस्ट कर रहा है। बाकी लोग कभी जो 33 लोग अभी बच गए हैं, वो लोगों के यहाँ पे 43 लोग यहाँ पे बच गए हैं, वो लोगों की भी बुला के कोरोना टेस्ट करके वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो भी करने के लिए हम कर रहे हैं। आज मैं हर्षवर्धन जी से बात किया है, क्या सिचुएशन है बोल के आज हमारा सीएम साहब को पूरा अपडेट करा है। मैं लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हैंड वॉश करना जरूरी है,